और किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज में पहला खाद किस समय और कब देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का ये डाउट होता है कि हमें चुपाई करने के पहले खाद देना चाहिए या चुपाई करने के बाद देना चाहिए या 2 महीने के बाद या 3 महीने के। तो आज इन सभी डाउटों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि हमें प्याज में किस समय खाद देंगे तो एक अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और जो किसान भाई पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक पेन और कापी अपने साथ में ले लीजिए। मैं आज आपको जो भी खाद और जो भी पोषक तत्व बताने वाला हूँ वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको आगे बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, हम प्याज में 3 हिस्सों में हमें खाद देना है, कभी भी एक हिस्से में हमें खाद नहीं देना है। क्योंकि एक हिस्से में अगर जो हम खाद दे देंगे, जैसे कि बहुत सारे किसान भाई क्या गलती करते हैं कि जब हम प्याज की चुपाई करते हैं उसी समय पर्याप्त मात्रा में जितना खाद होता है एक ही हिस्से में डाल के काम ख़त्म कर दिया, बार बार डालने की झंझट नहीं। तो ये सबसे गलत तरीका है हमें खाद देने का, क्योंकि किसान भाइयों, एक साथ हम जितना भी खाद हमारी फसल में डालेंगे तो हमारा पौधा उतना बड़ा नहीं है कि सभी खाद को एक साथ उठा लेगा, क्योंकि वो खाद वेस्टेज पड़ा रहेगा हमारी फसल में और किसी का काम का नहीं आएगा। तो हमें कभी भी 3 हिस्सों में खाद देना है, एक हिस्सों में कभी भी हमें खाद नहीं देना है। तो सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो चुपाई करने के पहले हमें देना है, दूसरा हिस्सा जब हमारी फसल 1 महीने की हो जाती है उस समय हमें देना है, और तीसरा जो खाद का हिस्सा होता है वो हमें हमारी फसल जब 2 महीने 2.5 महीने की होने आ जाती है उस समय देना है, और 2.5 महीने के बाद हमें कभी भी खाद नहीं देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या गलती करते हैं कि 3 महीने या 3.5 महीने की हमारी फसल हो जाती है उसके बाद भी हम उसमें खाद उड़ा देते हैं, लेकिन वो खाद किसी काम का नहीं होता है और हमारी फसल को नुकसान होता है उससे। क्योंकि जब साइज बनने की पोजिशन होती है हमारे प्याज की और बन जाती है, करीब करीब 3.5 महीने में हमारे प्याज की साइज कम्प्लीट बन जाती है, उस समय अगर जो हम प्याज में खाद देते हैं तो उसका नुकसान होता है, क्योंकि प्याज फिर से फूकने लग जाता है और ऊपर का जो कवर रहता है उसका वो कवर फट जाता है, उसके बाद गंजे होने शुरू हो जाते हैं प्याज। जैसे कि बहुत सारे किसान भाई की समस्या आती है कि हमारा प्याज छिलका निकल चुका है, वो गंजे हो गए हैं, वो उसी कारण से होता है। जब हम 3.5 या 3 महीने बाद हमारी फसल में अगर जो किसी खाद का उपयोग करते हैं तो उससे कवर निकल जाता है, क्योंकि प्याज में अगर जो खाद दोगे आप तो लाजमी वो फूकना तो है ही सही, और फूकेगा तो उसका कवर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी 2.5 महीने के बाद में खाद नहीं देना है। तो हमें जब, जैसे कि किसान भाइयों, पहला खाद तो हम दे चुके, अब दूसरा खाद हमें, और सबसे बड़ी बात यह है किसान भाइयों कि हमें कौन सा खाद हमारी फसल में देना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जैसे कि अगर जो मान लो हमारी फसल में 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बाकी आप दूसरी चीज़ें न डालें तो भी हमारी फसल कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जैसे कि मान लो कि अधिक उत्पादन लेना है या उसके साइनिंग हमें, जैसे कि किसी फसल की प्याज की साइनिंग अच्छी आना चाहिए, उसका कवर नहीं निकलना चाहिए, तो इसके लिए हमें दूसरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए मैं सबसे पहले यही बताऊँगा कि हमें कौन सा खाद लेना है। तो किसान भाइयों, जो किसान भाइयों ने पहला खाद डाल चुके हैं या नहीं डाला है, तो अब हमें 1 महीने की जब हमारी फसल हो जाती है, जब हम हमारी फसल में खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देते हैं या मजदूरों से खरपतवार बाहर निकालवा लेते हैं, तो हमें पहला खाद देना होता है। जैसे किसान भाई, ये मेरे पीछे प्याज का प्लाट है, ये 1 महीने का हो चुका है और अब मैं इसमें पहला खाद डालने जा रहा हूँ और पानी पिला रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले किसान भाइयों DAP लेना है, जैसे कि इफ्को तो अभी मिल ही नहीं रहा है। तो किसान भाइयों, अगर जो हमें DAP से इफ्को बनाना है तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि DAP में सिर्फ 46% फास्फोरस होता है और इफ्को में होता है 12-32-16, यानी कि 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है। तो हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी इसको इफ्को बनाने में, नाइट्रोजन और पोटास। तो पोटास तो सभी जानते ही हैं कि जैसे कि पोटास MOP के नाम से आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, हमें वो लेना है। उसके साथ नाइट्रोजन में हम यूरिया नहीं ले सकते, उसको इसके लिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट लेना है।
जो कि 25 किलो का गट्टा मार्केट में आपको 600 650 के रेट में मिल जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है हमें, जब एक महीने की हमारी फसल होती है उस समय हमें मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलता है। जैसे कि बहुत सारे किसान भाई यूरिया भी देते हैं, यूरिया भी दे सकते हैं, लेकिन यूरिया की अलावा यूरिया की बजाय आप अगर जो मैग्नीशियम सल्फेट अपनी फसल में डालते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 2 गुना मिलता है। तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 12 किलो प्रति एकड़, 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। एक बोरी DAP लेना है और 30 किलो पोटास लेना है। जिन किसान भाइयों ने अगर जो पहले पोटास का उपयोग कर दिया है छुपाई के पहले, तो हमें 20 किलो लेना है, ठीक है। 20 किलो पोटास, एक बोरी DAP और 12 से 15 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद हमें लेना है WDG सल्फर, जो कि बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, किसी अच्छी कंपनी का जो 90% वाला सल्फर आता है वो सल्फर लेना है। किसान भाई सल्फर हमारी कंद वाली फसल में बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि सल्फर दो काम करता है, एक तो खाद का काम भी करता है और दूसरा आपका फंगीसाइड का भी काम करता है। जैसे कि मान लो हमारी फसल में फंगस नहीं लगने देता है, तो वो दो प्रकार से काम करता है। तो हमें 6 किलो WDG सल्फर लेना है। इसके बाद हमें लेना है जिंक, किसी अच्छी कंपनी का हमें 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक लेना है। इसके बाद हमें होमिक एसिड लेना है, 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से होमिक एसिड लेना है, किसी अच्छी कंपनी का लेना है हमें। होमिक एसिड बहुत सारी कंपनियां बना देती हैं, जैसे कि 400 रुपये किलो के हिसाब से भी आता है, वो नहीं लेना है हमें। हमें किसी अच्छी कंपनी का 90% वाला या 90% वाला होमिक एसिड लेना है, जो अच्छी कंपनी बनाते हो। जैसे कि ये सबसे बेस्ट जो होमिक एसिड आता है राज एग्रीटेक का आता है, लीडर के नाम से, वो ले सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों हमें लेना है 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फिप्रोनिल। फिप्रोनिल जैसे कि बायर कंपनी का रिजेंट आता है, धानुका का भी आता है और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं जिसके अंदर 3% फिप्रोनिल होता है। तो 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें फिप्रोनिल लेना है, क्योंकि फिप्रोनिल का काम होता है हमारी जड़ों में मान लो कीड़े हैं, कीड़े की समस्या है तो उनको ख़त्म कर देता है। तो 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें फिप्रोनिल लेना है। इसके बाद किसान भाइयों हमें लेना है एक फंगीसाइड। फंगीसाइड में आप UPL कंपनी का SAR भी ले सकते हैं, जिसके अंदर कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब होता है। तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें सार्फ लेना है। इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेना है और मिलाने के बाद में अपनी फसल में छिड़काव कर देना है और छिड़काव करने के बाद में पानी पिला देना है। तो किसान भाई ये जो भी मैंने आपको खाद बताए हैं, जो भी जानकारियाँ दी हैं, ये मेरे खुद के अनुभव से दी हैं, मैंने अपनी फसल में किया है और एक अच्छा रिजल्ट लिया है। तो किसान भाई अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।